सीमा हैदर। ये कहानी जो आप सुन रहे हैं, अब उसमें सवाल सबसे बड़ा ये है, वो हिंदुस्तान में रहेगी या पाकिस्तान जाएगी? इस कहानी का दुखद अंत होगा या सुखद अंत होगा? हमारे साथ न्यूज रूम में जो साथी हैं, वो इस पर क्या सोच रहे हैं, आप उन्हीं से सुनिए। आशीष, इस कहानी का सुखद अंत ही होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो हिंदुस्तान हार जाएगा। हिंदुस्तान की जो मर्म है कि सबको शरण देनी है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, एक कोई बाहर से आया है, अगर वो जासूस नहीं है तो, अभी भी जांच चल रही है, अगर वो जासूस नहीं है तो जो सर्वधर्म संभाव की बात आ रही है, अगर वो शरणागत हुई है इंडिया में आकर और उसने शरण ली है और वो हिंदू बन गई है, वो जैसा दावा कर रही है, अगर वो जासूस नहीं है तो इन जीत, भारत की जीत या हिंदुस्तान की सभ्यता की जीत, संस्कृति की जीत तभी होगी जब कानून के मुताबिक, या हम नहीं कह रहे, कानून जो कहता है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अगर गुंजाइश बचती है तो उसको इंडिया में रुकना चाहिए, मेरा मानना है। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और एक बड़ी बहस अब न्यूज रूम में शुरू हो गई है कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या हिंदुस्तान रहेगी, हिंदुस्तान की मोहब्बत की संस्कृति जीतेगी या पाकिस्तान की नफरत की संस्कृति जीतेगी। ये सवाल केवल एक पॉइंट पे टिका है कि अगर सीमा जासूस निकलती है तब क्या होगा और नहीं है तब क्या होगा। हमारे साथ यूथ में आरुषि है। आरुषि, आप बताइए। मैं शुरुआत तो सर ऐसी करूंगी कि अगर सीमा हैदर जासूस नहीं है तो उसे भारत में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके प्यार को यूथ के तरफ से, अगर मैं यूथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उसको प्यार को मेरे तरफ से सलाम है, क्योंकि ऐसा प्यार हद मतलब कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, और अगर ऐसा देखने को मिल रहा है और वो जासूस नहीं है तो मुझे उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं चाहती हूँ कि वो भारत में रहे, हमारे बीच बन के रहे, जैसा लोगों ने उसको अपनी भाभी मान लिया है, मैं भी चाहूंगी कि सीमा हैदर यहीं पर रहे। लेकिन अगर जांच एजेंसी ऐसा कहती है कि नहीं वो जासूस है, तो उसे बिल्कुल कायदे से वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि जो रास्ता उसने चुना है भारत आने का, वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे अगर वो अपने प्यार को साबित करना चाहती है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो सचिन से सच्चा प्यार करती है जैसा वो दिखा रही है, तो बिल्कुल उसको भारत में रहना चाहिए, हमारे बीच रहना चाहिए। वो सीमा हैदर को जो हमारे साथ है, मैं कहूंगा कि मेरे साथी आप लोग मेरे साथ आइए, हमें रूटीन में बाकी लोगों की विदाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो पलड़ा है वो लगातार भारी होता जा रहा है, और जो डिबेट हमारी चल रही थी हमारे संपादकीय साथी रोहित पुनेठा लगातार इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैसेज जाए कि हमारा न्यूज रूम जो है एक तरह से भावनात्मक होके सोच रहा है, वो कानून की कसौटी पे कसना चाहते हैं इस मुद्दे को। इसलिए रोहित पुनेठा की राय मैं जरूर सुनूंगा। देखिए पशुपति, मुझे लगता है कि कोई भी देश और कोई भी समाज एक सिस्टम से चलता है, और सिस्टम जो है वो कानून से चलता है, और हमारे देश का कानून भी कह रहा है कि ठीक है, कानून की कसौटी पे हम परख रहे हैं उसको, और अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं, जैसा कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी स्टेटमेंट है कि अभी तक उसके जासूस होने की कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है ये एक चीज है, मैंने मान लिया, और लेकिन इस केस को मुझे लगता है कि सेंटिमेंट्स के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मामला, दो देशों का मामला है। पाकिस्तान अगर हमसे वापस मांगेगा कि वो हमारी नागरिक है, हमको आप वापस करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। आप ये जो कंट्रीज हैं वो सेंटिमेंट से नहीं चलती है। और देखिए, मान लीजिए आज आपने सीमा हैदर को यहाँ पर रख लिया, कल दूसरा तीसरा चौथा या पांच था दस केस और ऐसे आगे पबजी खेल के बाकी गेम खेल के इस तरह से जो सरहद बनाई गई है उसको उल्लंघन करके कोई और आ जाए, उसमें कोई और गलत मंशा के साथ ये जो वॉइस थी, ये रोहित पुनेठा की वॉइस जो है, ये इसलिए महत्वपूर्ण रखती है कि आंख कान खोल के जो दो लोग हैं हमारे साथ, ये लेकिन लीगली बोल रहे हैं, ये लीगली बोल रहे हैं और मैं इमोशनली बोल रहा हूँ, लेकिन पंछी नदियां और सरहद के क्या गाना है मुझे मूवी का, कोई उनको नहीं रोक सकता, ये लीगली बोल रहे हैं। मैं वही मूवी कहीं ना कहीं समाज से ही जुड़ी होती है, हमारे संपादकीय, हमारे इस न्यूज रूम की जो खूबसूरती है यही है, ये दो साथी हैं हमारे, दोनों मिलकर आंख कान खोल के जब खबरों को कसते हैं कसौटी पे, तो इसी तरह से ये झगड़ा होता है और इसी तरह से हम निकलते। हमारे साथ सताक्षी है, वो बहुत मुस्कुरा रही है, जो इस कंट्रडिक्शन में एक नया आयाम जोड़ेगी। अनन्या भी आ रही है। सर, मैं रोहित सर की बातों का सम्मान करती हूँ, जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। अगर वो
पाकिस्तान से वो आई। आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन शुरू से ही कैसे रहे हैं। तो आज की अगर हम ये चीज देखें, अगर आप प्यार करते हो, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन सीधे तरीके से आप आइए देश में, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर आप भाग के आओगे तो इस चीज में आपका सम्मान नहीं किया जाएगा। हमारी साथी है जो रघुपुरा गाँव में भी गई है और इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार आपको रोहित जी की बात मैं सुना देता हूँ फिर से, क्योंकि रोहित जी का कहना है कि लीगली देखा जाए पूरे मामले को, इमोशनल होके जो यूथ एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए। एक कमेंट, दो मिनट, दो सेकंड का जल्दी से, फिर हम आनंद जाएंगे। देखिए मैं इस बात का नहीं हूँ, देखिए अगर हम लीगली इस पर नहीं चलेंगे तो मैंने बताया ना कि आगे की कॉन्सिक्वेंसेस हमको सोच कर चलने पड़ेंगे। आगे के कॉन्सिक्वेंसेस अभी अभी जो हमारा नॉक कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक की जांच है तो मान लिया किसी जासूस नहीं लिया जा सकता आ जाता हूँ। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि देखिए अगर आपको प्यार है आप सीधे तरीके से आइए ना, आपने गलत रास्ता क्यों अख्तियार किया शुरू में? आपको अगर वीजा नहीं मिला वहां से तो फिर आप दूसरे रास्ते से आ जाएंगे, ये गलत एक परिपाटी को स्थापित करेगा। यही मेरा कहने, अगर आपको प्यार है आप सीधे रास्ते से आइए, आपको एक बार मना करते हैं दोबारा उसको अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप गलत तरीके से चैनल को यूज करेंगे तो फिर बहुत लंबी परेशानी होने वाली है। ऐसा नहीं है, इससे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गलत मंशा मन में पाले हुए हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। आप हर एक की मंशा नहीं भाग सकते। बिल्कुल, मंशा का सवाल है, इंटेंशन का सवाल है और वो उस रूट का सवाल है जिस रूट को सीमा हैदर ने चुना है, नेपाल और बाकी जो अवैध तरीका है। अब अनन्या, आप उस गांव से देखकर आई हैं, उस गांव में भी दो ओपिनियन है, उसको रखा जाए और उसको भेजा जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैं रघुपुरा गांव खुद गई थी और मैंने वहां पर लोगों से समझा कि जो वहां के लोग हैं वो सीमा हैदर के बारे में क्या सोचते हैं। तो वहां की जो लोगों का फीडबैक सामने आया, लोग ये कह रहे थे कि ठीक है सीमा हैदर आ गई है, कैसे आई है, इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि सीमा हैदर यहाँ पर इस तरह से आ गई, उसे तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए, वो जासूस है। हालांकि यूपी एटीएस की तरफ से जो जांच अभी सामने आई उसमें ये कहा जा रहा है कि जासूस होने का कोई भी इस तरह का कनेक्शन जो है वो फिलहाल सीमा हैदर को अभी नहीं मिला है। मैं आपको बता, मैं एक चीज बता रहा हूं कि देखिए मुझे लगता है और मुझे लगता होगा भी ऐसा ही कि ठीक है सेंटीमेंट्स आपके अपनी जगह है जैसे कि मैंने बार-बार कहा, लेकिन इसमें जो आगे जो चल के इसकी रेमेडी है वो यही है कि दो दो रास्ते थे इस पूरे केस में। अगर सीमा हैदर जासूस होती, अभी तक ये एस्टेब्लिश अनडॉक्यूमेंटेड नहीं एस्टेब्लिश कि वो जासूस है या नहीं, अगर वो जासूस है तो उसके ऊपर फिर जो हिंदुस्तान का लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जैसा स्टेटमेंट एडीजी ने दिया है कि हम रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, दैट मींस उसको ऐसा माना जा रहा है कि उसके अगेंस्ट अब तक कुछ नहीं मिला है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि फिर वो रिपोर्ट उसको करेंगे, क्योंकि आप लीगल वे से आए नहीं है, आप वीजा लेकर आए नहीं है, तो फिर आपको डिपोर्ट करने के अलावा कोई और, पहले भी कई इस तरह के एग्जांपल्स देखे जा चुके हैं। सिर्फ एक वो कंडीशन है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे बाकी लोग भी कह रहे हैं सेंटीमेंट्स, मैं उसको सेंटीमेंट्स नहीं कहता, मैं उसको कह रहा हूँ कि जिस तरह की परिस्थिति सीमा ने बताई है कि मैं अगर वहां गई तो मुझे मार दिया जाएगा, तो वो एक सेंटीमेंट है, वो एक मानवीय मूल्य है। अगर उसको शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर उसको माना जाए कि हाँ उसको शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है, या फिर उसकी और उसके साथ, क्योंकि वो अकेली जान रही है, उसके साथ चार बच्चे और हैं, तो ऐसा ना हो कि वहां जाकर पाकिस्तान में उसको उसके चार बच्चों को मार दिया जाए। ये सेंटिमेंट अगर वो सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रही या लॉ के थ्रू पहुंचाने में कामयाब रही, तो ये एक रास्ता हो सकता है कि शायद उसको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए, लेकिन लीगली पॉसिबल अभी तक नहीं दिख रहा। इस डिबेट में मैं चाहूंगा कि पराग हमारे साथ बैठे हुए हैं और बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। पराग, आप बताइए कि सीमा को आप रखने के पक्ष में हैं या उनके वापस भेजने के पक्ष में हैं? नहीं, देखिए जैसे रोहित जी ने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ मामला है, तो जाहिर तौर पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर। प्यार अपनी जगह है और बाकी सारे मामले अगर इस तरीके के और सामने आएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी सोचने की जरूरत है। प्यार तो कोई हद नहीं मानता है, प्यार हमेशा नए तरीके से सामने आता है और प्रेम वही लोग करते हैं जो अपना शीश चढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। क्या आशीष? देखिए मैं एक बात कहूंगा, आप ये भारत के, पहले भी मैंने बोली, भारत की संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम की है, और जब हम पार्लियामेंट में अखंड भारत का मैप लगाते हैं और अखंड भारत की बात करते हैं, अफगानिस्तान से म्यांमार तक बात करते हैं, श्रीलंका नेपाल की बात करते हैं, तो एक हमारे देश का ही बंदा है। संसद में कानून भी बनते हैं और उन कानून को हमको भी और जो बाहर से गलत कानून जो बनते हैं उनको भी फॉलो करना, बिल्कुल कानून बनते हैं सारी चीजें हैं। लेकिन आपको पता है कि ट्रेन हैदराबाद पाकिस्तान से जोधपुर आती है, कई सारे शरणार्थी हिंदू आते हैं, कहते हैं हम जाएंगे ही नहीं पाकिस्तान, हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं, ये कहते हैं लगातार,
ये प्रेम प्रेम में वही मैंने कहा ना, शरणार्थी का दर्जा अगर आप उसको दे देंगे यहाँ पर रख लेंगे तो अभी अब नहीं रह सकती। वो पाकिस्तानी शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी है या हिंदू शरणार्थी है, अब जो कन्वर्जन है या मुस्लिम की तरह उसको ट्रीट करेंगे आप, इस पे पूरा समीकरण। इस बात को आप सेंटीमेंट से मत जोड़कर देखिए, सेंटीमेंट्स लोगों का, ये पिक्चरों का भूत बोल रहा है, ये प्यार है मोहब्बत जो है ये पिक्चरों का। एक हमारे महिला मित्रों से एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, मैं रोहित सर को इस पे काउंटर करना चाहूंगी कि रोहित सर ये इश्क नहीं है सर, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और सीमा हैदर डूब के आ चुकी है भारत, वो जल रही है, वो ऑलरेडी बहुत जल रही है, वो जेल के चक्कर काट रही है, एनआईए उसे लगातार पूछताछ कर रही है और वो कह रही है कि आप अगर मुझे वापस डिपोर्ट करना चाहते हो कर दीजिए, लेकिन मैं यही रहना चाहती हूँ। अब ये भी तो देखिए ना कि जब वो पाकिस्तान से आई यहाँ पे, जब वो पाकिस्तान से आई यहाँ पे तो अपने चारों बच्चों को लेकर आई यहाँ पे, वो अपने चारों बच्चों को लेकर आई, ये शो करता है कि उस औरत के अंदर खुद में कितना प्यार है, वो अपने चारों बच्चों को पीछे छोड़ के नहीं आई, ये भी आपको नोट करना है। अनन्या एक मिनट, आग का ये सब शायरी बाजी दू, ये आप डॉक्यूमेंटेड कह सकती है, उनकी बात सुनना जरूरी। सर जब हमारे देश में बांग्लादेशी को शरण मिल सकती है तो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर क्यों नहीं? आप इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं, और इंडिया और बांग्लादेश का मैच कितने शौक से देखते हैं आप जब क्रिकेट मैच होता है? सर वो बात, लेकिन मैं शरण की बात कर रहा हूँ। तब क्या होता है सेंटीमेंट्स आपके? नहीं, जब हमारे देश से सानिया मिर्जा जैसे पाकिस्तान में शादी कर सकती है तो शादी लीगल तो, ये लीगल है लीगली। ये आग का दरिया आप बताइए कैसा है? आग का दरिया तो ठीक है, लेकिन अभी ये आग का दरिया सीमा के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान अब एक ही चाह रहा है डिपोर्ट तो उसको किया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया से भी अगर कोई बाहर देशों में जाता है तो एक ही इसका रूल है कि आपको वापस आना ही पड़ता है अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, या फिर आप वीज़ा अप्लाई करिए और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, या वहाँ की सरकार तमाम केसेस आपको डालने होते हैं, अगर वो सारी चीज़ें लीगली हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि डिपोर्ट करने की तैयारी है। डिपोर्ट करने के बाद, क्योंकि सीमा जो ये कह रही है कि वहाँ पर उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी जान को खतरा है, उसके बच्चे सेफ नहीं है, तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, यहाँ रखा जाता है तो एज ए शरणार्थी उसे रखा जाता है। एक आप इसको देखिए ना, उसने हिंदुस्तान के लॉ के हिसाब से क्राइम किया है सीमा ने, अगर 50 दिन वो यहाँ रह गई, उसने किसी को बताया नहीं, अगर पुलिस को नहीं पता चलता है उसके, जब वकील से यहाँ शादी कराने के लिए वो एफिडेविट जो दाखिल करना था उसमें पाकिस्तानी पेपर्स नहीं देते, तो यानी कि इंटेंशंस वर रॉन्ग, आपके इंटेंशंस गलत थी, आपने क्राइम कमिट किया है। इंटेंशंस रॉन्ग नहीं थे, तरीका रॉन्ग था उसका। नहीं, सीमा हैदर के इंटेंशंस रॉन्ग थे, सीमा ने सिर्फ, क्योंकि सीमा भले ही 50 दिन रहे कितने दिन मेरे, सीमा हैदर मुझे लगता है कि सहयोग नहीं करती, या जो सवाल उससे पूछे जाते तो वो जवाब नहीं देती, इंटेंशन उसका रॉन्ग नहीं था, हो सकता है मुझे लगता है कि तरीका नहीं पता हो, और पाकिस्तान से जब आप हिंदुस्तान का वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, चांसेस बहुत कम। मैं इस पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी जो जांच चल रही है उसमें ये भी सामने आ रहा है कि कई सारे पासपोर्ट उसके पास से मिले हैं, ये चीजें क्या है? पासपोर्ट पर अनन्या का एक, पासपोर्ट 5 ही है उसके पास, सरनेम का प्रॉब्लम होता है जब आपकी शादी हो जाती है, सीमा सिर्फ उसका नाम था, 4 उसके बच्चों का है और एक उसका है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है किसी पासपोर्ट में सीमा और किसी में हैदर का प्रॉब्लम, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो सरनेम का एक प्रॉब्लम होता है, और वो अगर आपको प्रूफ कराना है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, अगर मुझे अपना सरनेम चेंज करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तभी ऑफिशियली पासपोर्ट पर आपका सरनेम चेंज होता है। अगर नहीं, बिल्कुल, मैं सही रास्ता खुलेगा, रास्ता एक से खुलेगा, एक अगर आएगा तो भी दूसरा भी, एक इकरा वाला भी तो केस था, मुझे लगता है उसमें डिपोर्ट किया गया, इकरा में किया गया, डिपोर्ट किया गया वो ठीक है, अभी तक उसका रास्ता निकल के आएगी, वो है कहां पर भी मान लिया कि डिपोर्ट तो करा ही जाएगा, बट वो तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रही है कि मुझे यहां रख लो, पाकिस्तान जाऊंगी तो फिर मैं, और आप मेरे बारे में जांच कर लो, और अगर अगर वो यहां पर शादी कर लेती है तो वो लीगल हो जाएगी?
शादी कैसे कर लेंगे वो यहाँ? क्यों नहीं कर सकते जब वो यहाँ अभी सिटीजन है ही नहीं? सिटीजनशिप से मतलब नहीं है सर, मुझे लगता है कि आप गलत तरीके से आके शादी कर लोगे तो कल दूसरा आके फिर यहाँ पे शादी कर लेगा, यहाँ का सिटीजन बन जाएगा? उसके लिए तो आप जांच कर सकते हैं ना, शादी इलीगल हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग फॉरेन में सेटलमेंट के लिए शादियां करते हैं। शादी नहीं, मैं इसी बात पर एक बात कहना चाहूंगा, शादी लीगल तब होगी जब वो सही तरीके से आती, लीगल तरीके से आती तब वो शादी लीगल होती। जिसका उदाहरण दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने, भारत के लोगों ने पाकिस्तान में शादी की और पाकिस्तान के लोगों ने भारत में की है, तो लीगल तरीके से की है, वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं की है, अलग अलग देशों, अलग अलग देशों की सीमाओं को क्रॉस करके, पहले शादी की, बाद में उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिली। माहौल गर्म है और आशीष शांत है, ऐसा हो नहीं सकता। आशीष आपकी राय जरूरी है। देखिए इसकी हैप्पी एंडिंग क्या हो सकती है, मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी, या तो रातों रात बगैर बताए इसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा बच्चों के साथ, या फिर एक तस्वीर आएगी कि बाघा बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर ये चार बच्चों के साथ बैग लेते हुए पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान के अधिकारी इसको लेके जाएंगे। ये तस्वीरें, घर घर आजा परदेशी वाला गाना नहीं बजेगा ये लेकिन घर आजा परदेशी वाला गाना मतलब दोनों का मतलब बिल्कुल सही, डिपोर्ट लेकिन गदर टू की हैप्पी एंडिंग होगी कि नहीं? गदर टू की कहानी तो बताया जा रहा कि तारा इस बार अपने बेटे को लेने पाकिस्तान जा रहा था इस बार, लेकिन अगर उनको रातों रात डिपोर्ट किया जाता है तो क्या हिंदुस्तान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा कि पाकिस्तान जाके उनको कुछ नहीं होगा? इस पूरे केस में मैं फिर से एक बार कहूंगा, हिंदुस्तान की जीत, भारत की जीत, जो भारत का जो इतिहास रहा है, जो दरिया दिली की बात है, उसमें यही होगी कि भाई उसको किसी तरीके से पेच पचेस करके, कानून के बीच से रास्ता निकाल करके उसको हिंदू धर्म में वो आ चुकी है, साधु संत तक ये कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म में आ चुकी है, अगर वो जासूस नहीं है तो उसको इंडिया में रहने दिया जाए। अच्छा अब लास्ट हम लोग कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं, एक बार यहाँ जितने लोग हैं उनसे मैं खटाखट पूछूंगा कि आप अपनी राय में बताइए, उसे यहाँ रहना चाहिए या नहीं? सीधे डिपोर्ट रास्ता है, जांच एजेंसियां भी एसीए को लेकर तैयारी करें, लेकिन अगर उसके खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें वो उसका किसी भी तरह का आईएसआई से कनेक्शन या बाकी चीजें नहीं होती, जासूस नहीं होती, तो उसको यहाँ पे मौका देना चाहिए रहने का। पहला वोट यहाँ रहना चाहिए सर, रहना चाहिए, अगर वो जासूस नहीं है और अगर उनपे कोई इल्जाम नहीं पाए जाते तो वो यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहना चाहिए। अभी तक की जांच में यही आया है कि उस पर जासूस का कोई सबूत नहीं मिला है तो उसको यही रहना चाहिए, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा वोट यही रहना चाहिए सुभाष, अगर वो जासूस ना निकले तो उसको बाहर से निकलना चाहिए, यही रहना चाहिए। चौथा वोट यही रहना चाहिए, बिना जांच के रहना गलत है, गलत है। 4-1 उसको यही रहना चाहिए, 5-1 ये सिर्फ सेंटीमेंट्स बोल रहे हैं। अब इन लोगों से अगर मैं पूछूं, आपको पता है स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? और स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? आपने कहा अब तक की जांच में नहीं मिला, स्लीपर सेल्स 35 साल तक घर परिवार के तौर पर यहाँ पर रहते हैं, 40 साल स्लीपर सेल क्या होते हैं? स्लीपर सेल क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? यहाँ डीआरडीओ में जासूस निकलते हैं आपके, मतलब गलत तो करेंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं गलत करेंगे आप? अच्छा मतलब आप मान रहे हैं कि रहने दिया जाए भले वो स्लीपर सेल? पांच, कहाँ स्लीपर सेल की बात हो रही है यहाँ तो? कौन आप एक बार बताइए, एक मिनट बताइए भारत की ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबके सब लड़ रहे हैं कि रहना चाहिए। अरे पांच और दो ये जो अभी का जो सेंटिमेंट है सीमा हैदर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। आप पाकिस्तान से अगर सीमा हैदर आई है तो आप कह रहे हैं उसको नहीं रहना चाहिए, उसके लिए जांच होनी चाहिए, ठीक है, जांच पर वो सहयोग करे, जांच हो भी रही है। मैंने कई सारी देखा है टर्की से लड़कियां आई हैं यहाँ पर, शादी की है फेसबुक के जरिए, उनके लिए तो इतनी जांचें नहीं हुई, जांच हुई, जांच होना चाहिए, जांच को लेकर वो सहयोग भी करे, उन्हें तो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये सारा मसला है ही इसलिए। जब मोदी जी जाकर आरोप लगाते हैं आतंकवाद का तो पाकिस्तान की ओर इशारा होता है, तो ये टर्की की ओर इशारा नहीं होता, ये अमेरिका की ओर इशारा नहीं होता है, बॉर्डर अमेरिका और मेक्सिको के भी है, लेकिन मेक्सिको के लोग आकर वहां पर रहते हैं और अमेरिका उनको शरणार्थी का दर्जा देता है क्योंकि उनको किसी भी तरह का कोई थ्रेट या खतरा नहीं है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे है या हम दोनों पड़ोसी होने के नाते किस तरह के रिलेशनशिप शेयर करते हैं, सारा का सारा जो फर्क है उस कंडीशन का है। एक बात तो और है, उसने जो हिंदू धर्म अपनाया है, अब ये जो मांग भरा है सारी चीजें जाके पाकिस्तान जाएगी, डिपोर्ट कर दो सब कुछ, तो क्या उसकी चारों बच्चों मारे जाएंगे और वो खुश में मारी जाएगी? मानवता यहाँ आके टिक जाती है, आखिरी में मानवता यहाँ आके टिक जाती है। डिबेट पाकिस्तान में जाके जो यहाँ हिंदू धर्म अपना ले फिर उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा वहाँ पे, बात फिर उसको फिर श्रम धर्म बदलना पड़ेगा, लगेगा ईश निंदा का आरोप लगेगा, चप्पलों से मारते हैं, जला देते हैं पाकिस्तान में, उसको पत्थरों से मारेगा, बोल रहे कि मुझे पत्थर से मार मार के पीट के मार देंगे मुझे। बात
डिबेट जो है जहां से हॉट होती है वहां नरम पड़ जाती है, जहां दिल का मामला आता है टोन बदल जाती है। सवाल यही है कि क्या मानवता का मामला, मानवता ठीक है, मानवता का मामला, दिल और प्यार मोहब्बत अलग है, दिल दिल के बिना मानवता है, मानव बिना बिना दिल की मानवता है, ये सवाल डिबेट करने के लिए तैयार नहीं, यहाँ दिल का मामला नहीं, नहीं दिल और दिमाग, और दिल है हिंदुस्तानी, दिल हिंदुस्तानी है, दिल यही चाहता है, हिंदुस्तानी दिल यही चाहता है, मानवता निभाने के लिए तैयार रही है। तो ये डिबेट 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, एक आदमी दो बच्चे रुक जाएंगे, चार बच्चे तो कुछ बिगड़ने के, और तैयार रही है फिर आगे ये इस पर एक चीज और कहना चाहूंगा, एक तरफ हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से और लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर उस कानून का क्या होगा? तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी, चार बच्चे, चार के अलावा यहाँ हम सिर्फ सीमा उसके चार बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर यही सीमा अगर श्रीलंका से होती या नेपाल से होती ये तो ये मसला नहीं होता।